जो हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे। और द्वितीय पाठ में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? एक हाथी के बारे में। तो पहले हम देख रहे थे कि सुंडा सुमसुम हाथी का सूंड कैसा लंबा है ना, और वो कैसे चलता है, धीरे धीरे कैसे चलता है। और फिर हम देखे थे कि उसका जो पेट है कितना मोटा है और उसका जो माथा है कितना लंबा है। तो आज हम देखेंगे उसका पैर कैसा है। ठीक है, तो देखो, चरणम चरणम तरु बर सदृशम धम 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 चलति गजा। चरणम चरणम तरु बर सदृशम धम 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 चलति गजा। शुण्डात् शुङ् शुङ् शब्दं कृत्वा मन्दं मन्दं चलति गजा। तो चरणम चरणम, चरणम का अर्थ है पैर। उसका पैर कैसा है? तरु बर सदृशम, तरु बर का अर्थ क्या है? बड़ा पेड़। ठीक है, सदृशम का अर्थ है समान। तो हाथी का पैर कैसा है? एक बड़ा सा पेड़ जैसे है। ठीक है, जैसे बड़ा सा बड़ा जो बड़ा बड़ा पेड़ है वो बहुत मोटा मोटा होता है ना, उसी प्रकार हाथी का पैर भी बहुत मोटा सा है। इसलिए कहा गया है कि तरु बर सदृशम, मतलब बड़ा पेड़ जैसे। तो हाथी का पैर कैसा है? बड़ा सा पेड़ जैसे। फिर धम 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 चलती गजा। तो हाथी जब चलता है कैसे आवाज करता है? धम 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 करके चलता है, क्योंकि उसका जो शरीर है कितना बड़ा सा शरीर है ना, उसका पेट कितने बड़ा सा है। फिर दिखा रहा है कि उसका जो पैर है कितना मोटा मोटा पैर है, बड़ा बड़ा पैर है उसका। इसीलिए वो कैसे चलता है? धम 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 आवाज करके चलता है, इसीलिए धम 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 चलती गजा। तो धम धम आवाज करके चलती चलता है गजा हाथी। ठीक है, तो उसका जो पैर है बहुत बड़ा पेड़ जैसे है, इसीलिए वो धम धम करके चलता है। फिर सुंडात सुम सुम शब्दं कृत्वा, और अपने सुंड में कैसा शब्द करके? सुम सुम शब्द करके, सुम सुम आवाज करके मंदा मंदा चलते गजा। धीरे धीरे गजा मतलब हाथी चल रहा है। ठीक है,